उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण दुगड्डा से कोटद्वार पौड़ी का जनसंपर्क टूट गया है और जिस कारण कई जगहों पर लोगों की गाड़ियां फंसी हुई हैं। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि हम लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी आशीष सैनी ने कहा कि रास्ता खोलने के लिए और दिन और रात काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिससे राजमार्ग जल्द से जल्द सुचारू किया जा सके। अति से अति शीघ्र जो है रास्ते को खोला जाए, और अगर देखेंगे तो पीछे बुजुर्ग लेडी हैं, वो इतनी दूर से पैदल चल के आ रही है, जवान लोग भी थक गए हैं, बुजुर्ग अब जो मरीज हैं वो कहाँ जाएंगे, साफ सुथरा नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार अति शीघ्र इसको करे तो जनमानस को भले। अभी फिलहाल हमारी मशीनें कार्य कर रही हैं, चार जैसे भी मशीन है, एक पोगलैन काम कर रही है। हमारी क्या कोशिश है कि 2 दिन के अंदर का रोड क्या ओपन हो जाए, उसकी क्या बोलते लगे हुए हम रोड ओपन करने की तैयारी कर रहे हैं। देखो ये तो हम सबकी ड्यूटी है और सभी का कर्तव्य है, तो ये तो सभी को करना चाहिए, मैं यही कहूँगा। बाकी आप देख रहे होंगे कि ये जो 5-6 किलोमीटर का क्षेत्र है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है आपदा से, तो ऐसे में जिन लोगों की हम मदद कर पा रहे हैं तो कर रहे हैं। तो बाकी अभी जो मार्ग है इसमें खुलने में काफ़ी वक्त लगेगा।